अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। आ गया जे अबू यजीद। हजरत बायजीद बिस्तामी अलैहि रहमत का दौर है, लिखा है कि वो कैद पड़ गया जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। और आपने अपनी रूहानी ताकत से जैसे किबला फरमा रहे थे, अल्लाह देते हैं अपने दोस्तों को। ओ कहानी जे भाई, आपने एक बर्तन बनाया, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो बंदा जो नियत करके वो उस बर्तन में वो डालता ना कि भाई इसमें से आज गोश्त निकले, गोश्त निकलता, सब्जी निकले, सब्जी निकलती, दाल निकले, लेकिन ये भी कमाल नहीं है। अच्छा, इस कहानी में रंग कैसे भरे उन्होंने? तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। लिखा कर्म हुआ हज़रत बायज़ीद थे गुस्ताम में, अल्लाह के दोस्त आए हज़रत बायज़ीद को निकालने के लिए इसमें से। कैसे इशारे कर रहा था, ये क्या मतलब है इसका? उन्होंने आके ना मस्जिद में कयाम किया, जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरी पड़ी, शाह पड़ी, वहीं बैठे थे। अरे बैठा बैठा, मुरीदीन ने देखा कि बंदा आया, खाना खाया कोई नहीं, और खाना मिलेगा भी कहीं नहीं। मेरी बदवा शाला वेले ही फिरो, भूखे मरो, तुसी सड़ो। उन्होंने आके ना हजरत बायज़ीद से अर्ज़ की कि हजरत एक मेहमान आया, आपने फरमाया जाओ जाओ कि उसको दावत दो के खाना नहीं मिलेगा, आए हमारी खानकाह में, आके खाना खाए। आजा। वो गए, वो आगे सुना, वो मर्द कामिल कहने लगा मैं कभी किसी के पास खाने नहीं गया। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। इसलिए आप खुद तशरीफ ले आए हैं तो आपकी दावत कबूल करता हूँ, लेकिन शर्त यह खाऊंगा वो जो मेरी मर्जी होगी। हजरत बायज़ीद ने कहा हुक्म फरमाए क्या खाएंगे। क्या हुक्म है मेरे आका, बताएं। वो मर्द कामिल आगे से कहते हैं जो हजरत बायज़ीद को निकालने आए थे, हजरत मैं इंसान का गोश्त खाऊंगा। अबे साले, हजरत बायज़ीद सोच में पड़ गए, अब उनको दावत दी थी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था। लेकिन हजरत बायज़ीद एक कदम आगे बढ़े, अर्ज़ करते हैं हजरत इंसान हाजिर है। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा बायज़ीद तुझे किसने कहा कि तू इंसान बन गया? अन्नी दया। इकबाल लिखते हैं शौकत संजर व सलीम, तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अल्लामा इकबाल को कड़ी डिग्री सी, हाय हाय हाय, छक्का है कि नहीं, कितना बड़ा छक्का है। औलिया में वो मकाम रखते हैं हजरत जुनैद फरमाते हैं जो मकाम जिब्राइल का फरिश्तों में है, बायज़ीद हजरत इमाम जाफर सादिक के फैज़ याफ्ता। कहानी। ओए इमाम जाफर के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद नहीं रखते। सुलेमान तो नहीं था कि लाड़ी पड़ता, तूने मेरे लिए क्या कह दिया। बड़े लोग थे हजरत जी, समझ गए कि हजरत कुछ और ही देख रहे हैं। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। रोके आगे सिर्फ करते हैं हजरत, फिर अगर इंसान नहीं तो फिर जो मैं हूं मुझे दिखाएं तो सही ना। चल तू कहता तो दिखा देता हूँ, देख खुद को। तो लिखा जब हजरत बायज़ीद ने खुद को देखा तो क्या देखते हैं कि एक मोर है। और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं।